हेलो दोस्तों, आज की क्लास है हमारी क्लास 104 और आज हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो तीन तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट होती है पाइथन में, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट और एलिफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई कंडीशन चेक करने के लिए होती है। सपोज कोई कंडीशन हमने लगानी है, उसके बाद कुछ प्रिंट कराना है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी वो आउटपुट आएगा जो हम आउटपुट देना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ के साथ में दूसरी स्टेटमेंट होती है एल्स स्टेटमेंट, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या आउटपुट देंगे, तो उसके लिए हम एल्स यूज़ करते हैं। ये फॉर एल्स जनरली साथ में यूज़ होते हैं। अगर एक से ज़्यादा इफ एल्स लगाने हैं, हमें बहुत सारी कंडीशन टेस्ट करनी है, तो एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। पहले इफ कंडीशन आउटपुट, फिर एलिफ कंडीशन आउटपुट, फिर एलिफ कंडीशन आउटपुट और सबसे लास्ट में एल्स कंडीशन विदाउट कंडीशन आउटपुट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट हम सीखेंगे प्रोग्राम के जरिए। तो पहला प्रोग्राम हम बनाते हैं, प्रोग्राम टू टेक ए नंबर एज इनपुट एंड चेक इफ इट्स इवन और ऑड। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें एक नंबर इनपुट के तौर पे लेना है और चेक करना है कि वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नम, नम को हमें इनपुट कराना है। तो नम इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के लिए हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं, एंटर ए नंबर, ठीक है। और ये इनपुट हमें किस तरह का चाहिए, इंटीजर टाइप का, तो इसका टाइप हम इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इफ एल्स कंडीशनिंग, और ये नंबर एंटर करने के बाद ये कंडीशन चेक करना शुरू करेगा, इफ नम इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी हमें इवन के लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, इवन की क्या कंडीशन होती है भाई, इवन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर कोई भी नंबर दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर जीरो बचता है, तो वो क्या किस तरह का नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, नम डिवाइडेड बाय टू एंड इफ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर का साइन है, नम मॉडुलस मतलब नम को दो से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो ये प्रिंट कराएगा। It's an even number, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर आता है जीरो के अलावा, दो से डिवाइड कराएंगे तो वन ही आ सकता है रिमाइंडर तो क्या प्रिंट कराएंगे हम, प्रिंट इट्स एन ऑड नंबर, तो प्रोग्राम हमारा तैयार है। चलिए चेक करते हैं इसे रन करके, हमने प्रोग्राम रन किया, ये कह रहा है एंटर ए नंबर, और हम एक नंबर एंटर करा देते हैं, पहले हम 3 एंटर करा रहे हैं। जब भी आप नंबर एंटर करेंगे इस बॉक्स के अंदर, उसके बाद एंटर दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। एंटर दबाया, इधर चेक किया, तो ये क्या है, इट्स एन ऑड नंबर। इसने क्या किया होगा दोस्तों, मैं समझाता हूँ आपको, इसने नंबर एंटर कराया, नंबर हुआ 3, अब ये इफ कंडीशन पे जाएगा, ठीक है। तो इफ नंबर को दो से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो के बराबर है, तो नंबर क्या होगा, इवन नंबर। उसके अलावा कुछ भी रिमाइंडर आता है तो नंबर क्या होगा, ओड नंबर। तो यहाँ पे अगर हम नंबर क्या था हमारा 3 को अगर दो से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो ये एल्स कंडीशन पे चला जाएगा और प्रिंट करा देगा इट्स एन ओड नंबर। चलिए इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ देखने में अच्छा लगे, ठीक है। इसे रन करते हैं, ये कह रहा है एंटर ए नंबर, इस बार हम नंबर एंटर कर रहे हैं 24, ठीक है। एंटर किया, इसने बोला इट्स एन इवन नंबर, 24 टू से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब इफ कंडीशन इसने चेक की, इफ नंबर विच इज 24 डिवाइडेड बाई टू
व्हेन देन रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया जीरो, जीरो के बराबर है रिमाइंडर, तो इसने पहली कंडीशन पे ही प्रिंट करा दिया इट्स एन इवन नंबर, तो ये एस स्टेटमेंट पे गया ही नहीं क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई। तो दोस्तों आपको इफ और एल्स वाला पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें बहुत सारे इफ एल्स होंगे, मतलब एलिफ भी यूज करेंगे इसमें हम, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम टू वेरीफाई आइडेंटिटी, किसी पर्सन की हमें आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है उसका नेम से और उसकी एज के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा नेम, नेम को हम इनपुट कराएंगे। ठीक है, किस टाइप का इनपुट कराएंगे, स्ट्रिंग टाइप का, तो इनपुट करा रहे हैं हम एंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ नेम इजिकल्स टू सपोज हमें चेक करना है कोई पर्टिकुलर नेम, लेट्स टेक माय नेम, तो इफ नेम इज संकेत, या फिर चलो कोई और नाम ले लेते हैं, वाई गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू माई सेल्फ, तो कोई और नाम ले लेते हैं, जैसे कि हम नाम ले लेते हैं एलिस। ठीक है, न्यूट्रल नेम ले लेते हैं, ना मेरा ना आपका, तो इफ नेम इज इक्वल्स टू एलिस, तो अगली चीज क्या करेगा, ये यहाँ पे प्रिंट कराएगा प्रिंट बाद में कराएंगे, पहले वेरीफाई करा लेते हैं इससे। तो ये अगली चीज एंटर कराने को बोलेगा आपसे एज। ठीक है, तो वो भी हमें इनपुट करानी पड़ेगी। ठीक है, तो एज को इनपुट करा लेते हैं। ये देखो, ये ध्यान रखना, डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंडीशन चेक करने के लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, और सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कोई वैल्यू असाइन कराने लिए वेरिएबल में, तो एज एक वेरिएबल है, इसे हमें वैल्यू असाइन करानी है। एज किस तरह की होगी भाई, इंटीजर टाइप की। ठीक है, इसे इनपुट कराना है, इनपुट के लिए हम मैसेज क्या पास करते हैं, एंटर योर एज, ये हमने मैसेज पास कर दिया इसमें। ठीक है, ये अब इस इफ के अंदर एक और इफ लगा देते हैं हम, एक और इफ लगा दिया, तो इसमें हम एज वेरिफिकेशन करेंगे, इफ एज इजिकल्स टू 13, अगर वो 13 साल की है तो वो एलिस है, तो ये प्रिंट कराएगा क्या, प्रिंट हाय एलिस। ठीक है, अदरवाइज अगर वो कुछ और एज देता है, चलो हम दो तीन कंडीशन ले लेते हैं इसमें ताकि एलिफ का भी यूज हो जाए, तो यहाँ पे कोड ब्लॉक का ध्यान रखना है। ये देखो, यहाँ पे इंडेंटेशन आ रहा है इफ के बाद, तो ये इफ के अंदर रन होगा, इस इफ के बाद जितना इंडेंटेड कोड आ रहा है वो इस इफ के अंदर रन होगा, तो इस इफ के अंदर ये वाला कोड रन होगा, उसके बाद जो अगला कोड है वो हमें एल्स के अंदर रन कराना है, एलिफ के अंदर, तो एलिफ एज इज ग्रेटर देन 1000, तो ये क्या प्रिंट कराएगा, ये प्रिंट कराएगा, थोड़ा सा फनी बना देते हैं इसे, अनलाइक यू
एलिस इज नॉट एन अनडेड इमॉर्टल वैम्पायर। वही 1000 साल एज किसकी होगी, इमॉर्टल आदमी होगा तो, है ना। ये एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, एलिफ एज इज लेस देन 13। अगर एज लेस देन 13 है तो क्या प्रिंट कराएगा, ये प्रिंट यू आर नोट एलिस, और इसे हम टॉन्ट मार देते हैं क्योंकि ये कम बता रहा है, किडो। ठीक है, इसी तरह से एक और एलिफ स्टेटमेंट ले लेते हैं। इफ एलिफ is greater than 80, suppose 80 से ज़्यादा अगर कोई एट डाल रहा है तो क्या हम टाइप करेंगे इसमें, यू आर नोट एलिस ग्रैनी, क्योंकि भाई 80 से ज़्यादा की तो नानी ही होगी या दादी होगी, है ना। और एल्स इसके अलावा 13 के अलावा और इन कंडीशन के अलावा कोई और एज डालता है तो एल्स कंडीशन रन होगी, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट यू आर। देखो जो प्रिंट के अंदर अगर हमें कोई स्ट्रिंग रन कराना है तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना एरर आ जाएगा। तो क्या प्रिंट कराना है हमें, यू आर नॉट एलिस। ठीक है, ये हो गया हमारा, इस वाले इफ के अंदर जितना कोड था वो रन होगा। अब इस अगर ये पहली कंडीशन ही मतलब नेम वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो एक एल्स स्टेटमेंट रन होगी, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, अगर नेम ही एलिस नहीं है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, यू एंटर्ड द रॉन्ग नेम। ठीक है, तो प्रिंट करा देते हैं, प्लीज एंटर द करेक्ट नेम या फिर यू एंटर द रॉन्ग नेम। ठीक है, यू एंटर्ड द रॉन्ग नेम। चलिए प्रोग्राम हमारा तैयार है, इसे रन करते हैं हम। ये बोल रहा है एंटर योर नेम, तो पहले हम कंडीशन सही के साथ में रन करते हैं इसे। तो हमने रन किया, एलिस डाला इसमें नाम, एलिस था हमारा पहला कैपिटल ए था, बाकी सब स्मॉल में था। ठीक है, एंटर कराया, अभी ये कह रहा है एज एंटर करने को, तो पहली कंडीशन के साथ ही चेक करते हैं, 13 डालते हैं, 13 डाली, इसने बोला हाय एलिस। ठीक है, तो इतना प्रोग्राम हमारा चेक हो गया। क्या किया, पहले इसने इनपुट लिया नेम, ठीक है, नेम इसने चेक किया एलिस है कि नहीं है, हमने एलिस ही डाला था तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अगर ये पार्ट ट्रू हो गया तो मतलब अंदर का कोड चलेगा, और ये यहीं पे ही फॉल्स हो जाता तो सीधा ये एल्स पे पहुंच जाता नीचे वाले पे। तो ये ट्रू हुआ, अब अंदर का कोड चलेगा, तो अंदर के कोड में क्या है, ये इनपुट ले रहा है एज। ठीक है, तो फिर हमने एज डाली, एज हमने इनपुट डाली, इसने एज को चेक किया, पहली इफ स्टेटमेंट से चेक किया, तो पहली स्टेटमेंट ही हमारी ट्रू हो गई क्योंकि हमने 30 डाला था, तो बस इतना ही ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एलिफ पे गया ही नहीं, एलिफ और एल्स पे।
तो ये इसने प्रिंट करा दिया। अब हम इसे दोबारा टेस्ट करते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों के साथ। इस बार हम नेम गलत डालते हैं, ठीक है, हमने नेम गलत डाला। तो ये वाली जो फर्स्ट वाली इफ कंडीशन थी, ये इसने चेक की, नेम यहाँ पे रॉन्ग था, तो ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो अंदर का कोड रन हुआ ही नहीं, ये सीधा चला गया नीचे वाले एल्स पे, तो इसने बोला यू एंटर द रॉन्ग नेम। दोबारा इसे टेस्ट करते हैं, नेम डालेंगे हम ठीक ताकि अंदर का कोड रन हो। अब बोल रहा है ये एस, पहली वाली कंडीशन हमने चेक कर ली थी एस के लिए, अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। तो हमने डाली 1000 से ज़्यादा एस, सपोज 2000 साल डाली मैंने एस, इसने बोला अनलाइक यू एलिस इज नॉट एन अनडेड इमोर्टल वैम्पायर, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन इसने चेक कर ली, दूसरी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई क्योंकि 1000 से ज़्यादा थी, तो ये वाली चीज़ प्रिंट हो गई। अब हम तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, दोबारा रीरन करते हैं प्रोग्राम, एंटर योर नेम एलिस, एंटर और ये एज, अगर एज 13 से कम है, 13 से कम सपोज हमने 10 साल डाली, इसने बोला यू आर नॉट एलिस किडो, ठीक है, एलिस की एज 13 से कम नहीं है। तो इसने यहाँ पे देखो ये कंडीशन ट्रू हुई, तो ये वाली स्टेटमेंट इसने प्रिंट करा दी। रीरन करते हैं, नेम सही डालते हैं एलिस। अब तीसरी टेस्टिंग करनी है हमें 80 वाली, ग्रेटर देन 80 वाली, तो 80 से ऊपर क्या डालते हैं हम, कुछ भी डाल देते हैं 85, इसने बोला यू आर नॉट एलिस क्रैनी, ठीक है। अब हम दोबारा रीनन करते हैं अगली कंडीशन टेस्ट करने के लिए, जो है इन तीनों कंडीशन के अलावा अगर हम कुछ भी डालेंगे, 13 1000 से ज़्यादा, 13 से कम, 80 से ऊपर, तो 80 और 1000 के बीच में ये यही करा देगा, ग्रैनी प्रिंट करा देगा, और 1000 से तो 80 से कम होनी चाहिए, 13 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो कुछ भी हम डाल देते हैं। सपोज हमने डाला 44, पहले तो नेम डालेंगे एलिस, तो सपोज हमने डाला 44, ये प्रिंट करा देगा सॉरी यू आर नॉट एलिस। तो सारी कंडीशन हमारी चेक हो गई हैं, आपको समझ आ गया होगा इफ़ एलिफ और एस किस तरह से वर्क करते हैं। तो मिलते हैं हम अब अगली क्लास में, अगली क्लास में हम सीखेंगे लूप्स इन पाइथन। तब तक के लिए नमस्कार।